नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव, आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में स्टडी करेंगे विंटर ओलंपिक गेम के बारे में। विंटर ओलंपिक गेम हाल ही सुर्खियों में है, ऐसा क्यों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। विंटर ओलंपिक गेम जब सबसे पहले ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ ग्रीस के एथेंस शहर से, वहां पे समर ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। उस समय विंटर ओलंपिक गेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो विंटर ओलंपिक गेम का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो 1924 के बाद में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया, उन स्पोर्ट्स पे फोकस किया गया जो ठंडे देशों में खेले जाते हैं, जहां पर बर्फ गिरती है, तो ऐसे देशों में विंटर ओलंपिक गेम खेले जाते हैं। तो सबसे पहले विंटर ओलंपिक गेम हुआ फ्रांस के चेमोनिक शहर में, इसका लोगो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है। सो विंटर ओलंपिक गेम, इसका बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें इन पे फोकस किया गया है जो ठंडे देशों में खेले जाते हैं, जैसे कि इसकी जंपिंग हुआ, एल्पाइन स्कीइंग हुआ, फ्री स्टाइल स्कीइंग हुआ, बायथलन हुआ, ल्यूग हुआ, आइस हॉकी हुआ, स्पीड स्केटिंग हुआ एक्सेट्रा। ऐसे 15 गेम्स विंटर ओलंपिक गेम में आते हैं। तो विंटर ओलंपिक गेम और समर ओलंपिक गेम, ये दोनों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर ही आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। अब देखा गया कि विंटर ओलंपिक गेम कभी क्या होता है कि किसी देश ने पार्टिसिपेट किया और अगले साल उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो विंटर ओलंपिक गेम में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, ऐसी 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने रेगुलर अटेंड किया है विंटर ओलंपिक गेम। ये कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, इटली, हंगरी, नॉर्वे, पोलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। तो ये कंट्रीज हैं जिन्होंने रेगुलर अटेंड किया है। जो विंटर ओलंपिक गेम है वह, इसकी लिमिटेशन इसलिए है कि इसकी लिमिटेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही ये ऑर्गेनाइज होता है, इसीलिए कुछ कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। हाल ही में ये जो कंट्रीज हैं इनके अलावा जो इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है विंटर ओलंपिक गेम में, तो विंटर ओलंपिक गेम में जब 2014 में रसिया में सोची शहर में हुआ था, तो उसमें ओनली कुछ एथलीट ने ही पार्टिसिपेट किया था, वो भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर बैन किया गया था। इस वजह से जो इंडियन एथलीट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अंडर द फ्लैगशिप ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सो ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फ्लैग के अंडर ही पार्टिसिपेट किया था। जब 2018 में ये गेम स्टार्ट हुआ विंटर ओलंपिक गेम दक्षिण कोरिया में, तो उस समय भी इंडिया की तरफ से 2 एथलीट ही पार्टिसिपेट किए थे और जिसमें कोई मेडल नहीं जीत पाए। सो विंटर ओलंपिक गेम की क्या लिमिटेशन है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही ऑर्गेनाइज होती है। अभी तक विंटर ओलंपिक गेम कहाँ कहाँ पे हुए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किया है। अब देखिए विंटर ओलंपिक गेम हाल ही में सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 2022 का विंटर ओलंपिक गेम होने वाला है चाइना में। अब सब जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे जितने भी एमपीज हैं, सांसद हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो चाइना को ब्लेम कर रहे हैं कि COVID-19 जो है वो चाइना ने पहले बताया नहीं कि वहां पर COVID-19 फैल रहा है और इस संक्रमण को रोकने का कोई उन्होंने उपाय नहीं बताया। तो चाइना जो है वो 2022 का विंटर ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज करने वाला है। अब देखिए इंडिया की तरफ से जो लीडर हैं, एमपीज हैं, उनको भी आवाज उठानी चाहिए कि चाइना में जो 2022 में विंटर ओलंपिक गेम होने वाला है उसको रोक दिया जाए। तो जो वर्ल्ड स्टेज पर जो भी लीडर्स हैं वो भी चाइना को ब्लेम लगा रहे हैं कि वो विंटर ओलंपिक गेम वहां पे नहीं हो, इसीलिए विंटर ओलंपिक गेम रिसेंटली सुर्खियों में है। सो दिस इज ऑल अबाउट विंटर ओलंपिक गेम। सो ऐसे वीडियोज के मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।